Hello students, welcome to Mathematics of Class 2. Now, students, this video is based on practice worksheet. Okay, so this is the part 3 of this worksheets. So let's continue our further exercise. So our next exercise is solve the following number stories. Here the stories are given. You have to identify its addition stories, subtraction stories, okay, that you have to identify from the stories. So first story is here. ट्वेंटी नाइन फ्रॉक्स आर प्लेइंग इन द पॉन फिफ्टीन मोर फ्रॉक्स ज्वाइन है हाउ मनी फ्रॉक्स आर प्लेइंग इन द पोन नाव सो अब क्या पता चला कि ट्वेंटी नाइन फ्रॉक्स जो है वो पोन में खेल रहे हैं बाकी पंद्रह फ्रॉक्स ने उसको जॉइन किया ठीक है सो हाउ मनी फ्रॉक्स आर प्लेइंग इन द पोन नाव यानी अब पोन में कितने फ्रॉक्स हो गए सो so, अगर ट्वेंटी नाइन थे और फिफ्टीन और एड हो गए ठीक है ज्वाइन हुए तो टोटल तो फाइन करना पड़ेगा हाउ मनी फ्रॉक्स आर प्ले अप में कितने फ्रॉग है तो हम टोटल फाइन करके फाइन करेंगे ठीक है दैट मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन हिंसर राइट सो एडिशन करने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपको नंबर को अरेंज करना होगा सो फर्स्ट वी राइट द टेंस एंड मंथस ओके प्लेसेस लिखेंगे देन नाइन ट्वेंटी नाइन प्लस फिफ्टीन तो so स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ट्वेंटी नाइन और फिफ्टीन एडिशन करना है बट यूर टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखने हैं ट्वेंटी नाइन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेट ऑल्सो हैज टू राइट फिफ्टीन क्या है वो भी आपको लिखना है

ओके ट्वेंटी नाइन नंबर क्या दिखा रहा है ट्वेंटी नाइन फ्रॉक्स आर प्लेंग इन द पॉन दैट मीन दैट शोज अ नंबर ऑफ फ्रॉक्स समझ में आया नाउ व्हाट इज़ फिफ्टीन फिफ्टीन मोर फ्रॉक्स जॉइन डैम यानी और फिफ्टीन जॉइन में तो फिफ्टीन के लिए आप लिख सकते हो मोर फ्रॉक्स ज्वाइन समझ में आया जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वही आपको लिखना है सिंपल अब इन दोनों का एडिशन करेंगे सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस सो नाइन प्लस फाइव इज फोरटीन फोर इज एंड यन इज कैरी ओवर नाव एट द टेंथ प्लेस नंबर सो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस वन फोर सो टोटल हाउ मनी फ्रॉक्स ज़्यादा है फोर्टी फोर सो आपको यहाँ पे लिखना है टोटल फ्रॉक्स समझ में आ गया आपने जितने भी नंबर लिखे उसके सामने उसके स्टेटमेंट लिखने हैं और ये लास्ट में आप जो एडिशन करोगे उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट लिखना है हो गया और लास्ट में सबसे लास्ट में आपको एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना है सो हाउ कैन यू राइड इट हाउ मेनी फ्रॉक्स आर प्लेइंग इन द पोन नाव अब पोन में कितने फ्रॉक्स प्ले कर रहे हैं वो लिखना है हम यहाँ पे लिखेंगे सो देर आर फोटी फोर फ्रॉग्स आर प्लेइंग इन द पन नाव वो यहाँ पे से लास्ट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन है उसके ऊपर से आप फॉर्म कर सकते हो समझ में आया और यू मस्ट राइट द स्टेटमेंट्स ओके क्लियर है समझ में आ रहा है तो अगर आपको जस्ट स्टोरी दिया गया है तो आपको पूरा वंस और टेंस प्लेस अरेंज करना है एज वेल एज राइट दिस स्टेटमेंट आल्सो एंड लास्ट स्टेटमेंट आल्सो अगर आप खाली लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगी योर मार्क्स विल बी कट क्लियर ओके लेट्स द नेक्स्ट स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट हियर दलजीत हैज़ थर्टी मार्बल्स दलजीत के पास कितने मार्बल्स है थर्टी फाइव मार्बल्स से खेलते हो ना आप अरविंद हैज ट्वेंटी फाइव मार्बल्स अरविंद के पास ट्वेंटी फाइव है हाउ मेनी मार्बल्स हैव इन ऑल यानी दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं समझ में आया तो आपको वर्ड ऑल पता चल गया देट मीन्स यू हैव टू डू द एडिशंस अगेन वी इन द नंबर टेंट मंथ लिखोगे दैन थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव करोगे ठीक है समझ में आ गया प्लस करना है वो तो क्लियर हो गया ना नाउ वी राइट द स्टेटमेंट वॉट इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्या है दलजीत हैज़ मार्बल्स ट्वेंटी फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अरविंद अरविंदी फाइव मार्बल्स ट्वेंटी फाइव अरविंद हैज़ मार्बल्स इन दोनों का एडिशन करेंगे फाइव प्लस फाइव टेन जीरो वन इज़ कैरी ओवर थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स तो सिक्सटी क्या हो गए टोटल मार्बल्स यानी दोनों के मिला के मार्बल्स कितने हैं सिक्सटी और लास्ट स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल ओके okay. सो so, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है तुम लिखेंगे सो दे हैव सिक्सटी मार्बल्स इन ऑल समझ में आया तो यहाँ से बना सकते हो दे हैव सिक्सटी मार्बल्स इन ऑल क्लियर है स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ओके लेट्स नेक्स्ट स्टोरी नाउ सी दिस स्टोरी इज गिवन इन योर प्रैक्टिस वर्कशीट ओके दैट आई एम एक्सप्लेनिंग रोहित हैड फिफ्टी फाइव रुपीज़ रोहित के पास कितने पैसे थे फिफ्टी फाइव रुपीज़ थे ही स्पेंट ट्वेंटी सेवन रुपीज़ एट द फेयर स्पेंट मीन्स खर्च कर देना उसने कितने रुपीज़ खर्च कर दिया ट्वेंटी सेवन रुपीज़ हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हीम यानि फिफ्टी फाइव में से ट्वेंटी सेवन में उसने खर्च कर दिए अब उसके पास कितने रुपीज़ बचे हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हीम हिम मीन्स रोहित राइट तो हम क्या करेंगे अगर आपकी मम्मी आपको बोलते हैं कि आप फाइव रुपीज़ ले लो ना यू बाय द चॉकलेट ऑफ टू रुपीज़ तो आपके पास कितने बचेंगे तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे फाइव माइनस टू मींस थ्री रुपीज लाख पे थी द सेम वे ही और रोहित के पास फिफ्टी फाइव रुपीज़ थे ट्वेंटी सेवन उसने खर्च कर दिया तो हम क्या करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन okay, ओके सब्ट्रैक्शन करेंगे ओके okay, तो 5, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फाइव माइनस सेवन पॉसिबल नो बिकॉज फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर नाउ वी हैव टू डू द बोरोइंग फोर और ये बन जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस सेवन इज एट एंड फोर माइनस टू इज टू सो ट्वेंटी एट इज़ लेफ्ट अमाउंट अब हम यहाँ पर स्टोरी के स्टेटमेंट लिखेंगे फिफ्टी फाइव रोहित है रुपीज़ ट्वेंटी सेवन क्या है मनी स्पेंड ओके देखो आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो उसके रिलेटेड ही आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी है और ट्वेंटी एट है वो क्या हुआ लेफ्ट अमाउंट है लेफ्ट लेफ्ट रुपीज़ भी लिख सकते हो यानी फिफ्टी फाइव में से ट्वेंटी सेवन खर्च कर दिए तो कितने रुपीज़ बचे ट्वेंटी एट सो लास्ट so, में हम स्टेटमेंट लिखेंगे सो ट्वेंटी एट रुपीज़ आर लेफ्ट विथ रोहित आपका जो क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हीम तो उसके ऊपर से आप ये लास्ट स्टेटमेंट फॉर्म करना है क्लियर हो गया ना ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट नाउ रीता हैज़ फोर्टी एट फ्रूट्स शी एट सेवेंटीन फ्रूट्स हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट रीता के पास फोर्टी एट फ्रूट्स थे उसने उसमें सेवनटीन फ्रूट्स खा लिए एट यानी खा लेना ओके नाउ हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट अब कितने फ्रूट्स बाकी बचे तो लेफ़्ट वर्ड आता है आपने पहले से पढ़ा होगा वैन द लेफ्ट विल कम वॉट टू डू स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन राइट तो कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है जैसे कि लेफ़्ट है रिमेनिंग अमाउंट है वो सबके लिए हम क्या करेंगे सप्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है नाउ अगेन अरेंज द नंबर टेंस एंड वन फोर्टी एट माइनस सेवनटीन सो सप्ट्रैक्शन करेंगे एट माइनस सेवन इज़ वन एंड फोर माइनस वन इज़ थ्री राइट right? अब स्टेटमेंट लिखेंगे स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है फोर्टी एट क्या है रीता हैज़ फ्रूट्स सेवेंटीन शी एड फ्रूट सेवेंटीन के लिए क्या लिखेंगे शी एड फ्रूट्स यानी उसने सेवनटीन फ्रूट्स खा लिए सिंपल याद रखना है जो नंबर है वो क्या बता रहा है वही आपको सामने लिखना है नाउ थर्टी वन क्या है लेफ्ट फ्रूट्स ओके सो लास्ट में क्या आएगा सो थर्टी वन फ्रूट्स आर लेफ्ट विथ रीता ओके सो थर्टी वन फ्रूट्स बचे रीता के पास क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज सी स्टूडेंट्स हियर आई हैव टेकन द एक्स्ट्रा एग्जाम्पल विच इज़ नॉट गिवन इन योर प्रैक्टिस वर्कशीट ओके सो लेट्स सी हियर द डेटाज आर गिवेन दैट मीन्स इन द चैप्टर्स ऑफ हाउ मेनी पोनी टेल्स यू हैव सीन दैट दैट इज बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग दैट मीन्स इफ यू द डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू यू कैन फाइंड द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम इट ओके अगर आपको कोई चीज़ को आपके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा तो यहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है उसके रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं समझ में आया सो so, हम यहाँ पे लिखा है डेज एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ओके तो डे यहाँ पे लिखा है डे वन डे टू डे थ्री डे फोर एंड डे फाइव यानी डे वन को कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं टेन समझ में आया ये पे लिखा है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड यानी डे वन को बच्चों ने टेन ट्रीज प्लांट किए डे टू को सेवन ट्रीज प्लांट किए डे थ्री को थ्री डे फोर को नाइन और डे फाइव को इलेवन ट्रीज प्लांट किए समझ में आया आपको नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास डेटा गया है अब हमारे जो भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर है वी विल सॉल्व इट नाउ हाउ मेनी ट्रीज डे प्लांट इन ऑल यानी उन्होंने टोटल कितने ट्रीज़ प्लान किए हाउ मेनी ट्रीज़ डिड दे इन ऑल ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा ये सारे जो प्लांटेड ट्रीज़ है उसका एडिशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स सो लेट्स डू द एडिशन तो हम यहाँ पे करेंगे टेन प्लस सेवन कितना होगा सेवेंटीन सेवेंटीन प्लस थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस नाइन इज ट्वेंटी नाइन टेन थर्टी टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स फोर्टी ओके सो फोर्टी हो गया स्टूडेंट्स कितने टोटल हो गए फोर्टी राइट right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्टी ट्रीज कितने ट्रीज प्लान किए बच्चों ने फोर्टी ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन हाउ मेनी मोर ट्रीज डिड दे प्लान ऑन डे टू देन डे थ्री यानी डे टू को और कितने ज़्यादा ट्री ट्री प्लान किए इन कंपेयर ऑफ डे थ्री ओके यानी डे टू को हम देखेंगे कितने ट्रीज है सेवन और डे थ्री के कितना है थ्री यानी डे टू के कितने थ्री ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ डे थ्री यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो डे टू और डे थ्री के बीच में है समझ में आया डे टू और डे थ्री के बीच में है तो कितने थ्री ज्यादा प्लान किए हम मैंने आपको बताया था जब भी आपको मोर और लेस फाइन करना है आपको क्या करना है सप्ट्रैक्शन करना है कि किसी भी चीज़ का कंपैरिजन हो किस इसके पास ये ज़्यादा है या कम है तो डैट टाइम हैव टू डू द सप्ट्रैक्शन तो, तो यहाँ पे डे टू के थ्री कितने प्लांट है सेवन और डे थ्री के थ्री यानी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा सेवन माइनस थ्री करेंगे तो व्हाट आंसर विल कम फोर थ्रीज समझ में आया कितने ट्रीज आएंगे फोर ट्रीज ओके फोर थ्रीज आर मोर ऑन मोर प्लांटेड ऑन डे टू देन डे थ्री क्लियर है स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल नाउ ऑन विच डे डी दे प्लान द मैक्सीम नंबर ऑफ ट्रीज यानी कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रीज़ प्लान किए यानी अकॉर्डिंग टू द डेटा कौन से दिन सबसे ज़्यादा ट्री प्लांट हुए हैं मैक्सीम नंबर ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है इलेवन ओके डैट मीन्स विच इज़ द डे हमें पूछा है विच डे डिड द्लान द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रीज हमें नंबर ऑफ़ ट्रीज नहीं पूछे हमें कौन सा दिन है वो पूछा है तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में सो दैट इज़ द डे फाइव ओके तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे डे फाइव क्लियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ओके नाउ नेक्स्ट हाउ मेनी लेस ट्रीज डिड द प्लान्टन डे फोर दैन डे फाइव तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे कंपैरिजन है कि डे फोर के कंपेयर में डे फाइव डे फोर को कितने कम ट्रीज़ प्लांट हुए हैं इन कंपेयर ऑफ डे फाइव तो हम पहले डे फोर और डे फाइव के ट्रीज़ देखेंगे डे फोर को कितने प्लांट हुए हैं नाइन और डे फाइव को इलेवन यानी डे फोर को कम प्लांट हुए हैं बट हाउ मैनी ट्रीज लेस प्लांटेड ओके तो आप देख सकते हो वापस लेस वर्ड आया कितने कम प्लांट हुए तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन तो हम डे फोर और डे फाइव के नंबर्स को ले लेंगे सो सब्ट्रैक्शन ऑलवेज बिगर नंबर से होता है तो हम इलेवन में से नाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है सो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा टू दैट मीन्स टू ट्रीज लेस प्लांटेड ऑन डे फोर देन डे फाइव यानी डे फोर को डो कम प्लांट हुए इन कंपेयर ऑफ डे फाइव समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ईजी है ना सबको so, जस्ट डेटा मिल जाएगा तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर वेरी इजिली सबको एक ही चीज़ याद रखनी है जब को मोर और लेस करना है और कंपेरिजन है कि इससे ये कि ज़्यादा है इससे कम है दैट टाइम यू हैव टू डू द सप्ट्रैक्शन ओके और सप्ट्रैक्शन ऑलवेज डू फ्रॉम द बिगर नंबर वन मोर क्वेश्चन इज दैट इच डे दे प्लान द लेस नंबर ऑफ ट्रीज़ कौन सा दिन है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ ट्रीज प्लांट हुए हैं तो विच डे इज इट स्टूडेंट्स कौन सा दिन होगा वो डे थ्री ओके डे पूछा है तो डे थ्री होगा उस दिन कितने ट्री प्लांट हुए ऑनले थ्री ओके तो लेस नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट हुए तो दिन कौन सा होगा डे थ्री क्लियर हो गया स्टूडेंट्स दिस इज नॉट गिवन इन दिस बट जस्ट आई एम आस्किंग टू यू ओके सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है हाउ टू सॉल्व द डेटा हैंडलिंग क्वेश्चन डेटा इफ द डेटा इज आर प्रोवाइडेड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑन इन ओके स्टूडेंट्स so i hope you understand the worksheet exercise if you have any doubt regarding any questions you can ask me in the comment box okay you can write in comment box inshallah i will make the next video on it okay and best of luck for your exam students